कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन का कठोर कदम। सुबह 6 से 9 बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोल सकेंगे। उचित मूल्य से अधिक बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही। नगर पालिका पीथमपुर को कोरोना वायरस को देखते 21 दिन हुए लॉकडाउन घोषणा के बाद आज 2 दिन भी जब लोग घरों से बाहर निकलते रहे तो नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन अब कठोरता के साथ नियमों का पालन करवा रहा है। सैनिटाइज छिड़काव किया जा रहा है। लाउडस्पीकर के द्वारा लोगों को कोरोना वायरस के बचाव के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। अभियान दल में प्रमुख रूप से तहसीलदार विनोद राठौर, नायब तहसीलदार अंजलि गुप्ता, यातायात प्रभारी मनोहर सिंह चौहान, CMO गजेंद्र बघेल पीथमपुर अपने दल के साथ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। स्वच्छता निरीक्षक रूपेश सूर्या ने बताया कि दुकानों के खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है। दुकानों पर सामान लेते समय किस तरह दूरी बनाए रखें इसके लिए भी चिन्हित किया गया है। फल सब्जी किराना दूध डेयरी अब सुबह 6 से 9 बजे तक ही खुल सकेंगे। दवाइयां एवं पेट्रोल पंप को छूट रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी एवं जुर्माना भी वसूला जाएगा। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।